तरफ जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के एक जिले ने देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश की है। हिमाचल के जनजातीय जिला किन्नौर में व्यस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन हो गया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला जिला बन गया है। हालांकि इस लक्ष्य को पाने में जिला प्रशासन के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का आभारी हूं, उनकी बधाई भी देता हूं उनको, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें। कंधों पर जा के मोबाइल क्लिनिक्स लगा के ऐसे दुर्गम क्षेत्र में, आपको पता है यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ज्योग्राफिकल एरिया हमारा कितना टफ है इस एरिया में, और ये एरिया जो है देश का पहला जिला बना, तो ये सारा क्रेडिट जो है, मैं मोस्ट ऑफ द क्रेडिट विल गो टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। भारत चीन सीमा पर बसा किन्नौर हिमाचल के दुर्गम जिलों में शुमार किया जाता है। समुद्र तल से करीब 3,265 मीटर की ऊंचाई पर बसा किन्नौर देखने में जितना ही खूबसूरत है, कठिन भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ लोगों को उतनी ही परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कोशिश और पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता की वजह से कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। इस मुहिम में जैसे आपके समक्ष, चाहे ब्लॉक समिति की तरफ से हो या फिर ग्राम पंचायत की हो की तरफ से हो, हम लोगों ने जो है घर घर जाकर सभी को जागरूक करने का काम किया। लोगों ने भी इसको अपनी जिम्मेवारी समझकर और वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कारण आज जिला किन्नौर जो है अव्वल नंबर पे। हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों में बसे किन्नौर में टीकाकरण अभियान मैदानी इलाकों के मुकाबले बेहद मुश्किल था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों से यह लक्ष्य हासिल किया गया। कठिन पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर गांव तक पहुंचने के अलावा गांव से दूर पशुपालकों के अस्थाई ठिकानों में जाकर हेल्थ वर्कर्स ने उनका टीकाकरण किया। वैक्सीनेशन के बाद स्थानीय लोग खुश हैं और वह सरकार और प्रशासन का धन्यवाद करते हुए नजर आए। मैं कोविड के दोनों वैक्सीन यानी दोनों डोज लगा चुका हूं, और इसके लिए मैं स्वास्थ्य प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि मुझे दोनों डोज लगवाए गए। निरंतर जब डेट आया तो मुझे जो प्रधान थे उन्होंने सूचित किया कि दोनों डोज लगवाने हैं, और नाम पहले मैं थोड़ा झिझका था, थोड़ी झिझक थी मेरे अंदर, पर वैक्सीन से कोई ख़तरा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य की के लिए अच्छा है और कोविड से बचाव के लिए भी काफ़ी बेहतर। तो ग्राम के जो प्रधान हैं, हमारे गांव के नुमाइंदे, उन्होंने हमें सहयोग किया, उन्होंने हमको जागरूक किया। वैसे तो वह मैक्सिमम लोग यहाँ पढ़े लिखे खुद जागरूक है, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी मतलब सहयोग दिया है। तो वैसे मैक्सिमम हमारे किन्नौर में अभी तक लगभग जो अपर एज के जितने भी एज के टीनेजर को छोड़कर सबके वैक्सीन। शहर हो या गांव, हर जगह लोगों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। हिमाचल के किन्नौर जिले में तमाम दुश्वारियों के बावजूद हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा करने में सबसे पहले कामयाबी हासिल की है, और ऐसा करने वाला देश का पहला जिला बनकर अपना नाम वैक्सीनेशन अभियान के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा लिया है। अब इनके इस सराहनीय कार्य की तारीफ हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। ईटीवी भारत हिमाचल प्रदेश के लिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट।